ने 66 KV का उद्घाटन किया, काम पूरा नहीं हुआ उद्घाटन किया, हॉस्पिटल का काम पूरा नहीं हुआ वो भी उद्घाटन किया, पहले काम पूरा किया जाए फिर उद्घाटन किया जाए। ये कट यदि 4 बजे लगता, 4 बजे के बाद लगता, थोड़ा ऑफिस टाइम के बाद लगता तो शायद लोगों के काम भी हो जाते। इसमें हम तो ये कहेंगे कि विभाग का उदासीन रवैया है, क्योंकि आजकल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है तो इसमें विभाग पर ही हम पूरा दोष देंगे। आप एक गृहिणी हैं, घर में बच्चे हैं, आजकल बिजली नहीं है, तो बिजली के बारे में क्या कहेंगे, कैसी समस्याएं हो रही है? ये तो हमेशा ही का काम है जी, बिजली कभी भी नहीं होती, हर तीसरे दिन कट लग रहा है, हर तीसरे दिन कट लग रहा है, हमारे को प्रॉब्लम आ रही है और हम हमेशा ड्यूटी जाते हैं और हमारे को गर्म पानी नहीं मिलता है, नहाना नहीं मिलता सुबह सुबह। बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं उनकी परीक्षाएं होनी है तो उसको लेकर क्या कहना है, कैंडल के सहारे पढ़ाई करनी पड़ रही है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हम हैंड स्लाइड चलाते हैं वो भी कई बार डेड हो जाती है, बच्चों को भी दिक्कत आ रही है और हमारे को भी दिक्कत आती है। तो क्या कहना चाहेंगे, विभाग प्रशासन और सरकार की अगर बात करें तो किस तरह की जो एक अनदेखी कही जाए, इन्होंने जो भी घोषणा की हुई थी, जो भी इन्होंने 66 KV का उद्घाटन किया, काम पूरा नहीं हुआ उद्घाटन किया, हॉस्पिटल का काम पूरा नहीं हुआ वो भी उद्घाटन किया, पहले काम पूरा किया जाए फिर उद्घाटन किया जाए। तो बिजली के लगने वाले कट के बारे में आप क्या कहेंगे, किस तरह से जो आम जन है वो प्रभावित हो रहा है? सर देखो, यहाँ पे जिस हिसाब से बताया गया था कि बिजली बाधित नहीं होगी, वो जो है वर्तमान में वो देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आए दिन जो है लोगों को समस्या हो रही है। अभी मोबाइल बिल्कुल लगा करके बैंक में लगाना पड़ रहा है मोबाइल, क्योंकि जनरेटर से बैंक चल रहे है, बाकी सारा ठप है सिस्टम। तो ये जो है ये अच्छे संकेत नहीं है निरवा के क्षेत्र के लिए, निरवा के लोगों के लिए। और ये समस्या आप मूलभूत सुविधा से जब वंचित रहेंगे तो मेरे हिसाब से ऐसे लीडरशिप का, ऐसे मतलब विभाग का कोई फायदा नहीं है जो इस तरीके से लोगों को जो है इस समय दरकिनार कर रहा है। किस्म से ये कट यदि 4 बजे लगता, 4 बजे के बाद लगता, थोड़ा ऑफिस टाइम्स के बाद लगता तो शायद लोगों के काम भी हो जाते, पर इसको भी इस तरीके से कि सुबह बिल्कुल धूप भी लगती है और कट भी लग जाता है और शाम तक के लिए फिर बैठना पड़ता है। 26 पंचायत के जो लोग हैं उनका यहीं पर आगमन होता है, लेकिन बिजली जो है वो आए दिन एक बड़ी समस्या बनी हुई, या यूं कहें कि जी का जंजाल बनी हुई है, इस विषय में राय जानना था। बिजली का जाना एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है पूरे क्षेत्र में। इसमें हम तो ये कहेंगे कि विभाग का उदासीन रवैया है, क्योंकि आजकल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है तो इसमें विभाग पर ही हम पूरा दोष देंगे कि विभाग को इस तरह का व्यवस्था बनानी चाहिए कि कम से कम एक एक घंटे भले कट लगे बाकी काम करने के लिए उचित व्यवस्था करे। क्योंकि ये कह रहे हैं कि आज 45 नंबर पे, आज 46 नंबर टावर ठीक किया जा रहा है, परसों 47 नंबर किया जा रहा है, तो इस तरह से तो पूरी सर्दी हमारी इसी तरह बीत जाएगी। तो इनको कम से कम 1 घंटे 2 घंटे काम करके इस तरह की उचित व्यवस्था बना करके कि बहाल हो बिजली पूरे क्षेत्र में। ये भी जानना चाहेंगे, हालांकि जो नुमाइंदे हैं, हालांकि अभी इलेक्शन हुए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, परिणाम आने बाकी हैं, ये दावे जताए जा रहे थे कि आने वाले समय में बिजली जो है वो निरंतर मिलेगी, कोई भी समस्या नहीं होगी। हालांकि उद्घाटन हुए हैं लेकिन कार्य अभी भी आधे अधूरे हैं, इस पर क्या कहना है? देखो, इस पे तो जो हमारे जनप्रतिनिधि है वही उचित बताएंगे, जो प्रतिनिधि हैं या विभाग हैं वो उनकी क्या किस तरह की कार्यशैली रही है इस पर मैं। गोयल मोटर्स विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है, जिसके लिए अनुभवी व फ्रेशर्स सभी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अभी 9418035372 पर कॉल करें या अपना बायोडाटा ईमेल करें HR@goyalmotors.com पर।